नमस्कार, स्वागत है आपका नेशनल खबर में। संकट की आहट मिलते ही एक्शन में आए सीएम योगी। कोरोना की दूसरी लहर का खतरा अभी थमा भी नहीं है। इसी बीच तीसरी लहर की आशंका ने फिर से डराना शुरू कर दिया है। देश में फिर से कोरोना का जबरदस्त विस्फोट हुआ है। आपको बता दें कि देश में कोरोना संक्रमण के कुल मामलों में आधे से भी ज़्यादा मामले केरल से आ रहे हैं। कोरोना संक्रमण के मामले में केरल अभी भी टेंशन बना हुआ है। राज्य के 14 जिले अब रेड जोन में हैं। ऐसे में वहीं संकट की आहट मिलते ही सीएम योगी एक्शन में आ गए हैं। महाराष्ट्र और केरल में बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के नाइट कर्फ्यू का सख्ती से पालन करने के आदेश दिए हैं। सर्वाधिक आबादी वाले उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्णयों से तेजी से संक्रमण पर लगाम लगाई जा रही है। केरल के मुकाबले यूपी के हालात काफ़ी बेहतर हैं। केरल में तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर पर उत्तर प्रदेश ने काफ़ी हद तक कोरोना पर काबू पा लिया है। उत्तर प्रदेश में संभावित तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए योगी सरकार तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश में कोरोना की पहली और दूसरी लहर पर लगाम लगाने के संग चिकित्सीय सुविधा में तेज़ी से इजाफा किया जा रहा है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले यूपी में रोजाना 2.5 लाख से भी ज़्यादा टेस्ट किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में घटते मामलों के बावजूद भी कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करने के लिए कहा गया है। अब रात 9 बजे से पुलिस हूटर बजाकर लोगों और दुकानदारों को दुकान बंद करने के लिए सचेत करेगी। पुलिस की ओर से हूटर बजाने के पीछे मकसद ये है कि रात 10 बजे तक प्रदेश की सभी दुकानें बंद हो जाएं। बता दें कि दूसरे प्रदेशों की तुलना में उत्तर प्रदेश के हालात काफ़ी बेहतर हैं। तो आप सभी सुरक्षित रहिए और हमारी वीडियोस को शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर, लाइक करें फेसबुक पर और ज़्यादा जानकारी के लिए नेशनल खबर की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ नेशनल खबर।